हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हब्सबर्ग एम्पायर से रिलेटेड है। तो जैसा कि आज हम जर्मनी को देख रहे हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सारे हमें नेशन स्टेट की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले ये नेशन स्टेट में नहीं हुआ करते थे। ये पहले किंगडम्स के अंडर में आते थे, या तो किंगडम होते थे या ड्यूक होते थे, डचीज जिसे कहा है, या फिर कैंटोन, इनके अंडर में आते थे। तो किंगडम जो होता था वो राजा महाराजा का शासन होता था, और डचीज जो होता था वो ड्यूक के अंडर में आते थे, और कैंटोन जो थे वो हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, तो वो प्रांत या राज्य के अंडर में आता था वो वाला एरिया। तो यहाँ जो हब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा था, और ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें अलग अलग एरिया और अलग अलग लोग आते थे। इसमें अल्पाइन जो कि एक पहाड़ी इलाका था, और इस अल्पाइन रीजन में टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, भूमिया, ये सारे एरिया आते थे। फिर ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के थे, मतलब ऊंचे घराने के या हाई लेवल या हाई सोसाइटी के लोग रहते थे, और इन लोगों की भाषा जो थी वो जर्मनी थी, ये जर्मन भाषा बोलते थे। हब्सबर्ग एम्पायर में लंबार्डी और वेनिशा वाला एरिया भी आता था, और इस लंबार्डी और वेनिशा वाले एरिया में इटालियन लैंग्वेज को बोला जाता था। फिर हंगरी जो था, हंगरी की आधी पॉपुलेशन जो थी वो मैगार लैंग्वेज बोलती थी, और बाकी की आधी जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग लैंग्वेज बोला करती थी। ग्लेशिया का एरिया जो है वो भी एरिस्टोक्रेसी फैमिली वहाँ के जो होते थे उस एरिया में, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, जो पोलैंड की लैंग्वेज है ना उसे पॉलिश लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो तीन ग्रुप थे, जो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, किंगडम थे, डचीज थे, कैंटोन थे, ये हब्सबर्ग एम्पायर में इनके अलावा और भी कई लोग रहते थे जो कि छोटे किसान वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, भूमियज जो थे और स्लोव्स वो नॉर्थ में रहा करते थे, कार्नियोला में स्लोवेंसिस रहते थे, साउथ वाला एरिया जो है क्रोएट्स, और ईस्ट में जो ट्रांसिल्वानिया वाला एरिया था वहाँ रुआमन लोग रहते थे। और ऐसे इस टाइप से देखा आप लोगों ने कि किस तरह से पॉलिटिकल यहाँ पे डिफरेंस था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप के लोग रहते थे, और लेकिन फिर भी इन सभी में एक यूनिटी थी। और ये यूनिटी क्यों थी? क्योंकि यहाँ के सभी लोग राजा के लिए निष्ठा रखते थे। दैट्स ऑल। ये पहला टॉपिक है जो हमारा इस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये क्वेश्चन या तो 3 नंबर में आ सकता है, या इसमें से कोई एक आधा नंबर का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये सारा समझ आ गया होगा, और मैप में मैंने सारे एरिया को कवर किया है, आप मैप को ध्यान से देखना, आपको सारे रीजन में ध्यान से दिख जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि बहुत ही ऊंची फैमिली के लोग हुआ करते थे, ये एरिस्टोक्रेसी वाले फैमिली के लोग हैं, और देखो कितने हाई क्लास सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन इनका दिख रहा है। और जो सोशली और पॉलिटिकली अगर हम इनका देखें तो ये डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, मतलब इनका शासन होता था। और यहाँ के जो लोग थे, ये जो मेंबर्स थे इस सोसाइटी के, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोग जो थे, इनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी, रीजनल डिवीज़न में भी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या मतलब शादी के शादी के रिलेशन से एक दूसरे से बंधे हुए थे। इसके साथ इनके पास अपनी बहुत मतलब ज़मीन जायदाद होती थी कंट्री साइड में, मतलब
जहाँ पे गांव वगैरह का एरिया था ना, वहाँ पे इनकी अपनी ज़मीन जायदाद होती थी। और इसके अलावा क्या, ये शहरों में इनके अपने बहुत बड़े बड़े मकान होते थे। ये ज़्यादातर ये लोग जो थे फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पावरफुल एरिस्टोक्रेसी लोग, जो कि संख्या में अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम हुआ करते थे। उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मिडिल क्लास ग्रुप। तो मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो मतलब मध्यम वर्ग का परिवार हुआ करता था। और ये लोग जो होते थे ज़्यादातर क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो मिडिल क्लास ग्रुप जो था वो सामने में आया, और इसमें काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ साथ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, प्रोफेशनल्स थे, वो सारे लोग भी इनमें आ चुके थे, ठीक है। और इन लोगों का जो काम था, इनकी संख्या जो थी वो 19th सेंचुरी में यूरोप और सेंट्रल यूरोप में, हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी में इनकी संख्या भी बहुत कम थी। ये लोग पढ़े लिखे होते थे लेकिन ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते थे। और लोगों के अंदर में नेशनल यूनिटी को लाने के लिए और एरिस्टोक्रेसी ये के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी वो ज़्यादातर यही मिडिल क्लास ग्रुप के लोग हुआ करते थे। तो मेन जो मिडिल क्लास ग्रुप जो था, उनका मेन काम था इंडस्ट्रीज में वर्क करना और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के ये लोग सबसे ज़्यादा उभर करके आए थे। तो हमारा ये जो इस टॉपिक में जो है बेटा, ये 2.1 जो टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एरिस्टोक्रेसी फैमिली से रिलेटेड आता है। इसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन है जो आ सकता है कि जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते थे या लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी ज़मीन पे काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, ठीक है। उनके ज़मीन पे जो खेती बाड़ी करते थे उन लोगों को सर्व्स कहा जाता था। ओके, थैंक्स।